गुप्त डायनेस्टी का पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में श्री गुप्ता, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट एवं समुद्रगुप्त के बारे में बताए हैं। आपको वो वीडियो क्लिप पसंद आई होगी और यह भी पसंद आएगी, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। जैसा कि आप जानते हैं, विक्रमादित्य का मतलब सूर्य पुत्र होता है, यानी सन ऑफ सन। इंडियन हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। पहला विक्रमादित्य उज्जैन का राजा, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जिसने महाकाल मंदिर बनवाया, जो कि 57 बीसी में आया, विक्रम संवत भी चलाया। उसी सिलसिले में यह सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या गिरिव्रज थी। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है, एंशियंट इंडिया का गोल्डन पीरियड कहलाता है। इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय इंडिया में सोना ही सोना था, प्लेंटी ऑफ गोल्ड के कारण, यानी प्रचुर मात्रा में इंडिया में सोना था। और वैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भी अपनी क्लाइमेक्स पर थी। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी, यह अपनी चरम सीमा पर थी। वैसे आर्ट की दृष्टि से अजंता की गुफाएं, आर्ट की दृष्टि से, कला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं वाकाटक शासकों ने बनवाई थी। ये वाकाटक शासक महाराष्ट्र में गुप्त शासकों के सामंत शासक थे, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स थे। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकेंड के साथ हुई थी। रुद्रसेन सेकेंड के देहांत के बाद प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश में शासिका बनी, यानी अपने पुत्र के लिए शासन चलाया, यानी सामंत शासिका अपने पिता के अंडर में थी। इसलिए चंद्रगुप्त सेकेंड ने अजंता की अधूरी गुफाओं को कंप्लीट कराया था। वैसे दोस्तों, अजंता की गुफाएं फर्स्ट सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुई हैं, सातवीं शताब्दी एडी तक बनी हैं। अधिकांश गुफाएं गुप्त काल में पूरी कराई गई हैं। इन गुफाओं में से मैक्सिमम गुफा बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा जातक कथाएं बुद्ध के बारे में चित्रित किया गया है। अजंता की गुफाएं फेमस हैं न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। अजंता की गुफाओं में बने चित्र फ्रेस्को पेंटिंग्स कहलाते हैं, यानी भित्ति चित्र। ये ऐसी पेंटिंग्स हैं जैसे लगता है कि ये अभी बोलने वाले हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अलावा इसमें हिंदू धर्म की कुछ गुफाएं हैं और कुछ जैन धर्म की गुफाएं भी हैं। वैसे आप जानते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा रेड फोर्ट और ताजमहल को, इन चार मॉन्यूमेंट्स को 1983 में विश्व विरासत सूची में, यानी यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और वैसे एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने 11वीं सेंचुरी में बनवाई, जबकि अजंता की गुफाएं फर्स्ट से लेकर सातवीं सेंचुरी एडी के बीच में बनी है। कला की दृष्टि से गुप्त काल अपनी क्लाइमेक्स पर थी। दोस्तों, आर्किटेक्चर की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से इंडिया में मंदिर बनाने की नागर शैली गुप्त काल में आई है। नागर शब्द नगर से लिया गया है। नागर शैली की मुख्य विशेषता है पिरामिड आकार का शिखर, यानी मंदिर के ऊपर बना शिखर पिरामिड शेप का होता है।
और इस स्टाइल में उत्तर भारत के मंदिर हैं। इस स्टाइल में चंद्रगुप्त के काल में कई मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से भितरगांव टेंपल कानपुर में ईंट की बनी पहली मंदिर है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु की है या वासुदेव कृष्ण की है। इनके अलावा झांसी में देवगढ़ा टेंपल है, जिसे दशावतार मंदिर भी कहते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में नचना कुठारा टेंपल है, मध्य प्रदेश में मार्तंड टेंपल है यानी सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में यक्ष यक्षिणी मंदिर है। यह यक्ष यक्षिणी मंदिर महाभारत की स्टोरी पर डिपेंड है। तो गुप्त काल में बने ये मंदिर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो साउथ इंडिया में मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली आई थी, यानी द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में आई। यह मंदिर स्टाइल 8वीं शताब्दी के बाद आई है। इस स्टाइल में साउथ इंडिया में कई सारे मंदिर बने हैं, लेकिन इस स्टाइल की मेन फीचर है गोपुरम, यानी द्रविड़ स्टाइल की मेन फीचर है गोपुरम, मीन्स लॉफ्टी गेट्स। मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक तोरण द्वार बने होते हैं। मुख्य देवता के अलावा कई सबोर्डिनेट गॉड गॉडेस होते हैं। प्रदक्षिणा पथ होता है, मंडपम सिस्टम होता है इसमें। दोस्तों एक और स्टाइल है टेंपल आर्किटेक्चर की, वेसर स्टाइल भी कहते हैं, यानी वेसर शैली। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर पाया जाता है, दोनों शैलियों का कंबाइंड है ये वेसर शैली। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्राचीन काल में नागर शैली आई, मेडिवल इंडिया में साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली आई, इसमें पल्लव चोल चालुक्य राष्ट्रकूट पांड्य इत्यादि शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिर द्रविड़ शैली में आते हैं, जबकि वेसर शैली इन दोनों का मिक्सचर है। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में आर्किटेक्चर के अलावा लिटरेचर में कालिदास इसी समय में थे। कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा गया है। इनके द्वारा रचित कई किताबें हैं। वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रारंभ में बहुत बड़े मूर्ख थे, ये उसी डाल को काट रहे थे जिसपे बैठे हुए थे। पांच विद्वान ब्राह्मण विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से पराजित होकर एक मूर्ख की खोज में जा रहे थे। इन्हें देखा तो ये उसी डाल को काट रहे थे जिसपे बैठे हुए थे। इन विद्वानों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। कालिदास को विद्योत्तमा के दरबार में ले गए और इनको इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि यह एक महीने का मौन व्रत धारण किए, आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों में देंगे। विद्योत्तमा मान गई। विद्योत्तमा ने एक उंगली का इशारा किया, मूर्ख ने समझा एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही। मूर्ख कालिदास ने दो उंगलियां दिखाई। पास में बैठे ब्राह्मण विद्वानों ने दो उंगली का मतलब विद्योत्तमा को समझाया। आपने कहा इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, लेकिन हमारे पंडित जी कालिदास कह रहे हैं आत्मा परमात्मा मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर बने हैं। विद्योत्तमा मान गई। दूसरा प्रश्न विद्योत्तमा ने किया पांच उंगली दिखाकर, मूर्ख ने समझा थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने फिस्ट दिखाया, घूंसे दिखाया। ब्राह्मण विद्वानों ने फिर समझाया, आपने कहा इस संसार में पांच तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर, पंडित जी कह रहे हैं ये पांचों मिलकर शरीर बनी। विद्योत्तमा प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न हुई और कालिदास से विवाह कर लिया, साथ साथ रहने लगी। अंततो गत्वा एक महीने बाद इनका मौन व्रत टूट गया। एक ऊंट को देखकर भावुक हो गए,
ऊंट शब्द मुंह से निकल नहीं पाया। लड़खड़ा गई इनकी जबान, उष्ट करने लगे। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। तब विद्युतमा को समझ में आया ये तो महामूर्ख है, जबरदस्त इन पर एक लात से प्रहार किया। सामने मां काली के मंदिर में जाके गिरे, साइड से जीभ कट गई, ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई और देवी काली ने इनको वरदान दे दिया। तभी से ये महाकवि कालिदास कहलाए। दोस्तों, कालिदास ने कई किताबें लिखी है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे फेमस किताब है। रघुवंशम इन्होंने पहली किताब लिखी है। इस किताब में इन्होंने पार्वती यानी दुर्गा, परमेश्वर यानी शिव की पूजा किया है। वागर्था विव संप्रक्त वागर्था प्रतिपत्त जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये पहला श्लोक इन्होंने लिखा था, यानी पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिव के लिए। इस तरह से इनकी पहली किताब है ये रघुवंशम। दूसरे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तीसरी किताब मेघदूतम। चौथी किताब विक्रमोवर्षीय है। पांचवी किताब कुमार संभवम। छठी किताब ऋतु संहारम। और एक सातवीं किताब भी लिखा है मालविकाग्निमित्रम। ये सात किताबें कालिदास ने संस्कृत भाषा में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में लिखा था। इस कारण चंद्रगुप्त सेकंड की वजह से इस काल को क्लासिकल एरा भी कहा गया है। गोल्डन पीरियड तो कहलाता ही है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है, लेकिन कालिदास की इन किताबों की वजह से इसे क्लासिकल एरा यानी शास्त्रीय काल भी कहा गया है। दोस्तों, कालिदास के अलावा इस समय आर्यभट्ट, वैसे तो आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में हुआ था, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए थे, लेकिन गुप्त काल में आर्यभट्ट का भी बड़ा नाम है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया, पाई यानी 2πr वाला पाई की खोज किया, दशमलव की खोज किया इन्होंने। और आर्यभट्ट ने दो फेमस किताबें लिखी हैं, एक तो अपने नाम से आर्यभट्टिया लिखा है, दूसरी रोमक सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत लिखा है। दोस्तों, यह इनकी किताब बड़ी फेमस है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट के अलावा इस समय प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री वराहमिहिर भी रहते थे, इन्होंने पंच सिद्धांत लिखा है। वैसे दोस्तों, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके अलावा एक अमर सिंह नामक विद्वान इस समय थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में अमर कोश नामक ग्रंथ लिखा है। वैसे यह ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह संस्कृत भाषा का इनसाइक्लोपीडिया है, यानी संस्कृत में डिक्शनरी की किताब है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में धन्वंतरी नामक एक विद्वान थे, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। वैसे हमने आपको बताया चरक कनिष्क के दरबार में थे, लेकिन चरक को फादर ऑफ आयुर्वेद कहा गया है, जबकि धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। इन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है, यानी इन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेद भी कहा गया है। दोस्तों, इनको अलावा इस समय विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक किताब लिखा है। वैसे आप इन किताबों के बारे में पढ़ा होगा, छोटी छोटी स्टोरीज हैं पंचतंत्र में। इनके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पहला चीनी यात्री फायान इंडिया आया था। फायान फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया 399 एडी में आया, 414 एडी में इंडिया से गया था। फायान का मेन उद्देश्य भारत में बौद्ध स्क्रिप्चर्स यानी बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों की स्टडी करने के लिए आया था। ये चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल एक और काम के लिए जाना जाता है, वह है साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर आप मेहरौली में आयरन पिलर के बारे में सुना हो, यानी लौह स्तंभ के बारे में सुना हो, तो इसकी खास बात यह है कि आज तक इसमें रस्ट नहीं लगी है। यह साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। अभी तक इस आयरन पिलर के मेटल के बारे में साइंटिस्ट को पता ही नहीं चल पाया है
कि यह किस मेटल का है। वैसे इस पर अनेक बातें बताई जाती हैं। यह कहा जाता है कि यह महाभारत कालीन एक कील है। यह भी कहा जाता है कि यह भीम की गदा है जो कि यही गाड़ दिया है। लेकिन दोस्तों इस पे चंद्र शब्द लिखा है, इसी से यह अनुमान लगाया गया है कि यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का आयरन पिलर है। इससे यह पता चलता है कि समय साइंस टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग थी। चंद्रगुप्त सेकंड सोने के सिक्के कई प्रकार के चलाए, जिसमें राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, यानी किंग एंड क्वीन टाइप के सिक्के चलाए, बो एंड एरो टाइप के सिक्के चलाए यानी धनुर्धर प्रकार के सिक्के, लॉयन हंटिंग टाइप के सिक्के चलाए यानी सिंह हंता प्रकार के। तो वैसे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किया था। वैसे तो कहा गया है कि इसने दो अश्वमेध यज्ञ किया और इस उपलक्ष में अश्वमेध यज्ञ टाइप के भी सिक्के चलाए हैं। 415 एडी में यानी 415 एडी में चंद्रगुप्त सेकंड का देहांत हो गया। चंद्रगुप्त सेकंड के देहांत के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए, जिसमें कुमारगुप्त फर्स्ट, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो क्लिप पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।